अरब के खुसूसी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा हमारी ग्रोथ बेहतरीन रुख पर जा रही थी लेकिन हम रास्ते से भटक गए, अब हम दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का हक दे तो अम मुमकिन है, दोनों ममालिक अच्छे हमसाये के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। कलदम टीएलपी के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे, साथ रिजवी से दो बार मुलाकात हो चुकी, तावन कर रहे हैं। वज़ीर दाखला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हर छः माह बाद नया मसला हो जाता है, मामले को समेटना चाहता हूं। टीएलपी से मुज़ाकरात में पेशरफ का जायजा बुध को काबीना इजलास में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते में नस्ल टार गिराने का हुक्म, इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालत ने नस्ल टार के मकीनों को बोलने से रोक दिया, कहा हमारे नजदीक नस्ल टार खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है, कमिश्नर कराची एक हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट दें। आला अफसरान की कमी है, फंड्स नहीं है, वज़ीर आला सिंध के बयान पर चीफ जस्टिस ने कहा आपकी इंतजामिया काम क्यों नहीं करती। मुराद अली शाह ने कहा गुज़िश्ता साल तारीखी बारिश हुई, हमने नाले साफ किए। चीफ जस्टिस ने कहा ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आप ही को करना चाहिए, अब आप बताएंगे कि यूनिवर्सिटी रोड बनाई, शारे फैसल बनाई, ये बातें नहीं करें। हाँ, मुराद अली शाह बोले तजावुजात खत्म करें तो लोग एहतजाज करते हैं। चीफ जस्टिस बोले आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को हराया, वो भी 10 विकेटों से। शाहीन का खतरनाक बॉलिंग स्पेल, बाबर आजम की कायदाना बैटिंग, मोहम्मद रिजवान की 79 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स सालों तक सबको याद रहेगी। खिलाड़ियों ने मैदान से होटल तक जश्न मनाया, इबरतनाक शिकस्त पर भारत में आग लग गई, बट बोला भारतीय मीडिया मुंह के बल गिरा। मैच से पहले शाहीन के ओवरथ्रो पर मजाक उड़ाने वाले एंकर्स खुद मजाक बन गए। टी20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड टकराएंगे, बस एक रोज का इंतजार और पाकिस्तान टीम फिर इन एक्शन होगी। 26 अक्टूबर को शाहीन कीवीज पर झपटेंगे, न्यूजीलैंड के पाकिस्तान का दौरा मनसूखी के बाद इस मैच पर सबकी नजरें टिकी हैं। और सूडान में फौजी बगावत, मिलिट्री फोर्स ने वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करके वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को नज़रबंद कर दिया, काबीना अरकान ज़ेर हिरासत, सारे मुल्क में बेयकीनी का आलम, जगह जगह अवामी एहतजाज, जमहूरियत के मुतालबे।